अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं हिना राशिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, इसलिए आप सब अपनी इस्लामियत की किताबें निकालें। सफ़ा नंबर 40। आज का हमारा उन्वान है फरिश्ते। बेटा, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका इस फाइनल टर्म में इस्लामियत का पेपर ओरल होगा, यानी आप इस्लामियत का पेपर ज़ुबानी देंगे। आपके मंथली पैक में, मंथली होमवर्क में जो इस्लामियत का एक पेज लगा हुआ है, उसमें कुछ सवाल जवाब हैं जिनको आपने ज़ुबानी याद करना है और बार बार अपनी मामा को सुनाना है। ठीक है जी, अब हम आते हैं आज के सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है फरिश्ते। फरिश्ते अल्लाह ताला की ख़ास मखलूक हैं, वो हमें नज़र नहीं आते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर यानी रोशनी से पैदा किया है। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। फरिश्ते हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। बेटा, फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत ही ख़ास मखलूक हैं। फरिश्ते मुख्तलिफ काम जो है वो सर अंजाम देते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। अल्लाह ताला ने उनको नूर से, रोशनी से पैदा किया है। उनका काम ही हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करना है और अल्लाह के हर हुक्म के मुताबिक अमल करना है। फरिश्तों पर हमारा ईमान लाना भी अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किया है। आज आपने इस पैराग्राफ की पढ़ाई करनी है, ठीक है, और अपनी मामा को सुनाना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।